नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पुरानी स्लैब और नई स्लैब को जोड़ते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि आप पुरानी स्लैब और नई स्लैब को जोड़ते समय कुछ छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो आप ये मान के चलिए स्लैब जुड़ने के कुछ महीनों बाद ही स्लैब के ज्वाइंट पर कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुरानी स्लैब और नई स्लैब को जोड़ा गया था। स्लैब जुड़ने के कुछ महीनों बाद ही स्लैब के ज्वाइंट पर आप देख सकते हैं कि एक लंबी क्रैकिंग आ चुकी है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको स्टेप टू स्टेप बताते हैं कि नई पुरानी स्लैब को जोड़ते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पुरानी स्लैब पहले से बनी हुई थी और इसी स्लैब के साथ एक नई स्लैब जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। तो चलिए एक एक पॉइंट हम विस्तार से देखते हैं कि नई स्लैब को पुरानी स्लैब के साथ जोड़ते समय कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान देना चाहिए। तो पॉइंट नंबर वन की बात करें, यदि आपको पहले से ही पता है कि हमें पुरानी स्लैब के साथ फ्यूचर में एक नई स्लैब जोड़नी पड़ेगी, तो उस सिचुएशन में जिस तरफ स्लैब जोड़नी है उस तरफ आप सरिये को बाहर निकाल लेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये पुरानी स्लैब है और इस पुरानी स्लैब के बाहर आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी सरिया बाहर निकली हुई है। तो ये पहले से ही तय था कि हमें इस स्लैब के साथ एक नई स्लैब आगे बनानी है, इसलिए यहां पर क्लाइंट ने पहले से ही सरिया निकाल रखा था। इसी तरीके से यदि आपको पहले से ही पता है कि आज जो स्लैब हम बना रहे हैं इन फ्यूचर इस स्लैब के साथ हमें एक दूसरी स्लैब जोड़नी है, तो जिस तरफ आप दूसरी स्लैब जोड़ने वाले हो उस तरफ आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से स्लैब के स्टील को बाहर निकाल लेना है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि पुरानी स्लैब का सरिया पहले से ही बाहर निकला हुआ था और इसी स्टील को सीधा करके नई स्लैब का सरिया इसी में जोड़ दिया गया। आप यहां पर एक बार अच्छे से देख लीजिए कि ये पुरानी स्लैब है और इसका सरिया पहले से ही थोड़ा थोड़ा बाहर निकला हुआ था, और नई स्लैब को बनाते समय नई स्लैब का सरिया इसी पुरानी स्लैब के सरिये से जोड़ दिया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि यदि कुछ इस तरीके से स्टील यानी कि सरिया बाहर नहीं निकला है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो उस सिचुएशन में पुरानी स्लैब से जहां पर नई स्लैब जुड़ेगी उसके कॉर्नर को थोड़ा थोड़ा तोड़कर पुरानी स्लैब का सरिया बाहर निकाल लेना चाहिए, जिससे पुरानी और नई स्लैब को अच्छे से कनेक्ट किया जा सके। यदि आप पुरानी और नई स्लैब को अच्छे से कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं कि स्लैब के कॉर्नर पर यानी कि स्लैब के ज्वाइंट पर कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आ जाएगी। अब चलिए पॉइंट पे आते हैं। आप देख सकते हैं कि पुरानी और नई स्लैब के स्टील को आपस में अच्छे से जोड़ दिया गया, और जोड़ने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि पुरानी स्लैब का जो किनारा था उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया गया, यानी कि उसको थोड़ा थोड़ा खुरदरा कर दिया गया, जिससे पुरानी और नई स्लैब के बीच की जो पकड़ हो वो मजबूत हो। तो पुरानी स्लैब के कॉर्नर को थोड़ा थोड़ा तोड़कर आपको रफ यानी कि थोड़ा थोड़ा खुरदरा कर लेना है। पुरानी स्लैब के कंक्रीट के कॉर्नर को रफ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको कंक्रीट बनाना है। कंक्रीट बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको स्लैब बना लेनी है। उसके बाद आपको नॉर्मली डिसटरिंग कर लेनी है। आपकी स्लैब बहुत ही अच्छे से जुड़ जाएगी और आपकी स्लैब में कुछ इस तरीके से क्रैकिंग नहीं आएगी। यदि आप इन्हीं दो बातों का ध्यान देंगे तो आप लिख कर ले लीजिए कि स्लैब ज्वाइंट होने के बाद आपकी स्लैब में कुछ इस तरीके से क्रैकिंग नहीं आएगी। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पुरानी स्लैब और नई स्लैब को जोड़ते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।